बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक प्री पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस. एज इन प्रीवियस लेक्चर आई हाईलाइटेड अबाउट फिजिकल ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग हीट ट्रीटमेंट, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडिबल कोटिंग्स. सो व्हाट आर एडिबल कोटिंग्स? एडिबल कोटिंग्स are thin layers of external coatings applied to the surface of fresh produce to enhance the waxy cuticle or as replacement for natural barriers where the produce cuticle has been removed. ये coating layers होती हैं जो हम fresh produce की outer surface पे coat करते हैं, उसकी waxy type जो है ये layers होती हैं, और ये जो आउटर स्किन होती हैं जो कि नेचुरल बैरियर्स भी होती हैं उसको उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे भी ये यूज़ होती हैं, क्योंकि समटाइम वो डैमेज हो जाती हैं और समटाइम वो किसी भी पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के दौरान जो है वो जो आउटर स्किन की क्यूटिकल लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, तो उसको भी ये कवर करती है. और इसमें इसकी एप्लीकेशंस ऑफ एडिबल कोटिंग, एडिबल मीन्स डेफिनेटली हम जो हमारी फ्रेश प्रोड्यूस है उसके ऊपर हम जो भी कोटिंग अप्लाई करेंगे वो एडिबल ही होगी और वो एडिबल डिक्लेयर्ड होनी चाहिए. तो एप्लीकेशन ऑफ एडिबल कोटिंग्स ऑन फ्रेश प्रोड्यूस प्रोवाइड्स, इसके डिफरेंट पर्पसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सर्व्स एज अ पार्शियल बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस. जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेचुरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है, मॉइस्चर लॉस होता है. मॉइस्चर लॉस की वजह से उसकी श्रिवलिंग एंड विल्टिंग के चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से जो है उसकी लुक और अपेयरेंस में सबसे पहले फर्क पड़ता है, उसका वेट लॉस हो जाता है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है. तो इसका जो एडिबल कोटिंग का मेन पर्पज़ है, दैट इज़ टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर, देयर बाय मिनिमाइजिंग moisture loss during post harvest storage. then it serves as a gas barrier, क्योंकि fresh produce के अंदर naturally gaseous exchanges हो रही हैं, ठीक है, तो O2 अंदर जा रही है, CO2 बाहर जा रही है, इसकी वजह से भी जो post harvest life है वो reduce होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा respiration rate जो है वो ज़्यादा होगा उतनी जल्दी जो है वो deterioration के chances हैं. तो इस वजह से एडिबल कोटिंग जो है इट सर्व एज अ गैस बैरियर, देयर बाय इस्टेब्लिशिंग अ मॉडिफाइड एटमोसफियर अराउंड द प्रोडक्ट विच स्लोज डाउन रेस्पिरेशन, सेनिसेंस एंड एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो जब डेफिनेटली गैस बैरियर होगा तो रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगी, सेनिसेंस डिले हो जाएगी और एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन जो है वो भी प्रिवेंट होगी. Then it helps to retain volatile compounds, contributing to produce a natural aroma and restrict foreign odors. जो volatile compounds की reduction है जिसकी वजह से naturally aroma भी कम हो जाता है, और जो है एक जो fresh produce का एक beautiful सा naturally aroma होता है कम होता है, तो volatile compounds की जो movement है उसको भी ये edible coatings रोकेंगी, और automatically जो foreign odors जो बाहर से जो डिफरेंट किस्म के ऑर्डर्स मूव कर जाते हैं जिसकी वजह से एक एरोमा डिस्टर्ब. देन इट मेंटेन फ्रेश प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज. डेफिनेटली जब उसकी आउटर लेयर के ऊपर एक कोटिंग होगी तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो मज़ीद फर्म होगा, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी, और जितने भी मैकेनिकल डैमेजेस जो ड्यूरिंग हैंडलिंग पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के दौरान जो मैकेनिकल डैमेजेस के चांसेस हैं उससे ये प्रोटेक्शन होगी, एंड सर्व एज कैरियर और फंक्शनल और एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है. एक बहुत ही इसका जो ब्यूटीफुल बेनिफिट है कि हम कोटिंग्स के अंदर जो है फंक्शनल और एक्टिव कंपाउंड मिक्स कर सकते हैं, सच एज न्यूट्रास्यूटिकल्स, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स दैट विल मेनटेन और इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी. ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी, इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है, उसकी वैल्यू को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, ऐड करने के लिए
हम एडिबल कोटिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, न्यूट्रासिटिकल्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स, कलरिंग एजेंट्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स को हम ऐड कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ उसकी क्वालिटी मेंटेन रखेंगे बल्कि शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करेंगे। तो ये एडिबल कोटिंग्स बनती किस चीज़ से हैं और केमिकली ये हैं क्या? तो दीज आर कम्पोज ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स सच एज लिपिड बेस्ड वैक्सेस, हाइड्रोकोलाइड और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स सच एज पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन बेस्ड मटीरियल्स, और एन इंटेग्रेशन ऑफ बोथ ग्रुप्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी ऑफ द कोटिंग। ठीक है, या ये लिपिड बेस्ड भी हो सकती हैं, ये स्टार्च बेस्ड भी हो सकती हैं और ये प्रोटीन बेस्ड भी हो सकती हैं। एंड विद इन द लास्ट डिकेड देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशंस फोकस्ड ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ एडिबल कोटिंग्स फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज। और मेन पर्पज़ क्या है? टू कंट्रोल फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। अच्छा जी, ये एक टेबल है जिसमें कुछ एडिबल कोटिंग्स की एग्जांपल्स दी गई हैं और नेक्स्ट कॉलम में उसकी जो है वो एग्जैक्ट पर्पस बताया गया है कि क्यों किया जाता है। तो ये सबसे पहले है ग्वार गम पी और पोटैटो स्टार्च प्लस पोटाशियम सॉर्बेट से, ये दिस इज़ यूज्ड फॉर एंटी माइक्रोबियल पर्पस। देन कैंडलीला वैक्स बेस्ड, इसकी भी ये वाली क्वालिटीज़ हैं, एंटी माइक्रोबियल एंटी ऑक्सीडेंट क्वालिटी। सोयाबीन गम है, जुजुबा वैक्स है, ग्लेसिरोल एंड अरेबिक गम ये ओवरऑल क्वालिटी को इन्हांस करती हैं। शिलैक एंड एलोवेरा जेल है कीपिंग क्वालिटी के लिए। सोया प्रोटीन, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा एग्जांपल्स। ये जो कैंडलीला, सोयाबीन गम, शिलैक, सोया प्रोटीन, काइटोसैन, जीन, बीज वैक्स, कोकोनट एंड सनफ्लावर ऑयल, पैक्टिन बेस, एल्जीनेट, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, काइटोसैन, मिथाइल सेलुलोज। सोया प्रोटीन में कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, देन पैक्टिन बेस, एलोवेरा जेल, एगर, वे प्रोटीन, राइस ब्रैन ऑयल, ठीक है, सुक्रोज पोलिस्टर बेस्ड, एल्जीनेट एंड जेलन बेस्ड। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं इनके आगे स्पेसिफिक पर्पजेस। तो ये ओवरऑल एडिबल कोटिंग्स की एग्जांपल्स हैं जो हमारे यहाँ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और डिफरेंट अदर फ्रेश प्रोड्यूस की कोटिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अक्सर आपने किन्नू सिट्रस को देखा होगा, चाइनीज़ इसकी अपेयरेंस होती है, आपने डेट्स को देखा होगा। तो हमारे यहाँ तो बड़ी ही नॉन एडिबल कोटिंग जो अलाउड परमिसिबल भी नहीं होती हैं उसको करके मार्केट में सेल कर देते हैं, दैट इज़ टोटली रिस्ट्रिक्टेड। तो आवर एडिबल कोटिंग्स शुड बी नेचुरल एंड शुड बी परमिसिबल इंग्रेडिएंट्स विद परमिसिबल डोजेस विद परमिसिबल कंसंट्रेशंस। सो सेवरल एडिबल कोटिंग्स इंक्लूडिंग काइटोसैन, एलोवेरा जैसे पीछे हमने देखा, पॉलीविनाइल एसीटेट, मिनरल ऑयल्स, सेल्यूलोज एंड प्रोटीन बेस्ड हैव शोन डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स ऑन फ्रेश प्रोड्यूस विद गुड बैरियर प्रॉपर्टीज विदाउट रेजिडुअल ऑर्डर और टेस्ट। यानी कि वैक्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी चेक करनी पड़ती हैं कि उसका कोई रेजिडुअल टेस्ट या ऑर्डर ना हो एंड एफिशिएंट एंटी माइक्रोबियल क्वालिटी हो, लेकिन मोर रिसर्च रिक्वायर्ड है टू इन्हांस मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोफिलिक एडिबल कोटिंग्स, इम्प्रूव कोटिंग एडिजन एंड ड्यूरेबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज एंड टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ एडिबल कोटिंग फॉर फ्रेश प्रोड्यूस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ स्टोरेज कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टोरेज के दौरान वो एडिबल कोटिंग जो है वो अपना काम करती भी है कि नहीं करती, और उसके बेनिफिशियल एज वेल एज एडवर्स इफेक्ट्स भी हमें देखने पड़ेंगे ड्यूरिंग स्टोरेज, कि उसके आया कि कोई किसी किस्म के कोई क्वालिटी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। सो द मेन लिमिटेशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एडिबल कोटिंग एट द इंडस्ट्रियल लेवल इज़ द कॉस्ट ऑफ स्केलिंग अप रिसर्च कॉन्सेप्ट्स और इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यू इंस्टॉलेशन ऑफ फिल्म प्रोडक्शन एंड कोटिंग इक्विपमेंट। और इसकी लिमिटेशंस भी हैं इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, जैसे इसकी कॉस्ट देखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी कि हमें कोटिंग मटेरियल बनाने के लिए, कोटिंग फिल्म भी कह सकते हैं उसे, तो उसकी इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन के लिए हमें कितनी कॉस्ट चाहिए, कोटिंग इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या होगी। फिर उसके बाद एडिबल मटेरियल्स की, लगे आपको एडिबल मटेरियल मिलता भी है कि नहीं मिलता विद डिज़ायर्ड फिजिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज एज वेल एज द चैलेंजेस ऑफ रेगुलेटरी स्टेटस फॉर द डिफरेंट कोटिंग मटीरियल। सो ये लिमिटेशंस हैं अभी जो कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट के शोभा में एडिबल कोटिंग की एप्लीकेशंस के लिए दरपेश हैं।
तो फर्दर मोर प्रोसेस पैरामीटर सच एज मेथड ऑफ कोटिंग, कि मेथड कौन सा अप्लाई करना है, आया कि हमने डिपिंग करनी है, स्प्रेइंग करनी है, क्या करना है, अमाउंट ऑफ एडिटिव, उसके अंदर एडिटिव कितनी अमाउंट में हो, कैन अफेक्ट द फिल्म बैरियर प्रॉपर्टीज एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। वन ऑफ द कमर्शियल कोटिंग प्रोडक्ट्स, एक न्यू नेचर सील के नाम से जो है वो कोटिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, जिसका पर्पस है विच मेंटेन्स कलर टेक्सचर एंड शेल्फ लाइफ ऑफ अ नंबर ऑफ फ्रेश कट फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, पियर्स, कैरेट, सेलरी एक्सेट्रा, हैज रिकॉर्डेड अ गुड सक्सेस। हाउएवर फर्दर रिसर्च डिवेलपमेंट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एडिबल कोटिंग्स ऑन इंडिविजुअल कल्टीवर्स, इनके अलहदा अलहदा वराइटी के ऊपर एडिबल कोटिंग्स के जो इन्फ्लुएंस को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन इन शेल्फ लाइफ। कल्टीवर से क्या मुराद है, डिफरेंट वराइटीज, जैसे मैंगो की हैं, समर बेस्ट है, दुसहरी है, और इसी तरह एप्पल्स के अंदर वराइटीज़ हैं, पोटैटो के अंदर वराइटीज़ हैं, तो हम देखना ये चाहते हैं कि वराइटी टू वराइटी शेल्फ लाइफ में क्या वेरिएशंस आती हैं व्हेन वी अप्लाई द एडिबल कोटिंग्स। सो दिस वाज अबाउट ब्रीफ लेक्चर अबाउट एडिबल कोटिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फिर नेक्स्ट फिजिकल ट्रीटमेंट दैट इज़ इरेडिएशन। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।